इज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करते हैं नींद की, तो बहुत सारे आज ऐसे मौजूदा हालात के अंदर लोग हैं कि उन्हें जो है नींद की टैबलेट्स लिए बगैर नींद ही नहीं आती। उन्हें जो है टैबलेट्स के बगैर वो पुरसकून नींद का एहसास नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नींद की गोलियां खाते हैं तो सो पाते हैं, वरना जो है वो सो ही नहीं पाते। उनकी डेली की रूटीन इतनी हैक्टिक हो चुकी है कि वो सारी रात जो है वो जागते हैं और उसके साथ सारा दिन जो है वो भी जागते हैं, कि दिन भी जाग रहे होते हैं रात को भी जाग रहे होते हैं और उन्हें जो है नींद नाम की कोई चीज़ नहीं आती। सोने के लिए बेड के ऊपर जाते हैं तो मुख्तलिफ तरह के ख्यालात जहन में आना शुरू हो जाते हैं और जो है फिर वो मेडिसिन लेते हैं और फिर जो है वो सोते हैं। जो लोग जिनको जो है मुख्तलिफ तरह की जो है नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और वो जो है अपनी लाइफ में डिफरेंट तरह की जो है मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे जो लोग अगर जो है अकेले मेडिसिन के ऊपर ही इंहिसार करेंगे वो जो है एक्चुअल में नींद ना आने की वजह जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जिस भी डॉक्टर के पास विजिट करेंगे डॉक्टर जो है अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है करंट सिम्टम्स की बेस के ऊपर जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा, डिफरेंट टैबलेट जो है उसे प्रिस्क्राइब कर देगा और पेशेंट जो है वो क्या करेगा वो ले लेगा। इवन के बाद दफा ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि वो जो है अद्वियात ले लेते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो नींद का साइकिल होता है वो तो गुजर जाता है सो के, लेकिन जब सुबह उठते हैं उनको उसके बावजूद जो है थकावट का एहसास होता है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, मिजाज में जो है वो तब्दीली आई होती है और वो बहुत सारी और भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि बाज दफा ऐसा भी होता है कि नींद की टैबलेट जो है उसकी स्टमिक को भी जो है वो इफेक्ट कर रही होती है, प्रॉब्लम होती है उसकी स्टमिक के अंदर, तो वो जो है बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस कर रही होती है। तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक शख्स था वो कहता था मुझे जो है नींद नहीं आती और मैं जो हूँ डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जो है विजिट करता रहा हूँ और डॉक्टर जो है मुझे डिफरेंट तरह की जो है नींद की गोलियां प्रिस्क्राइब करते रहे हैं और मैं अगर वो खाता था तो नींद आती थी वरना मुझे नींद नहीं आती थी। जब वो जो है शख्स किसी साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचा तो उस शख्स ने जो है अपनी कंप्लीट जो है हिस्ट्री बताई और जो है उस साइकोलॉजिस्ट के साथ थेरेप्यूटिक सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किए। जब जो है साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट थेरेप्यूटिक सेशंस के अंदर उसकी एक्चुअल कॉज को आइडेंटिफाई किया तो उस शख्स की जो है अद्वियात के बगैर भी नींद आना शुरू हो गई। एक्चुअल कॉज जो थी उस शख्स की वो ये थी कि डर, उसे ये डर था कि उसके बेड के नीचे कोई ऐसी चीज है जो उसे जो है मार देगी, जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। वो सारी रात यही सोच सोच कर जो है सो ही नहीं पाता था, सुकून की नींद ही नहीं ले पाता था और फिर जो है वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास विजिट करता था और वो जो है मेडिसिन देते रहते थे, लेकिन मेडिसिन जो है वो जब इस्तेमाल करता था सो तो लेता था लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं पूरी होती थी। वो जो एक टाइम पीरियड होता था नींद का और एक साइकिल होता था उसे तो पूरा काट लेता था लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। तो उसकी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट किसने किया? साइकोलॉजिस्ट ने। और साइकोलॉजिस्ट ने उस स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके साइंटिफिक तरीका का की मदद से उसको रिमूव किया और अब वो शख्स जो है एक अच्छी नींद सोता है बगैर किसी अद्वियात के, क्योंकि उस शख्स का जो एक्चुअल डर था एक्चुअल जो कॉज थी वो खत्म होगी और वो जो शख्स है उसको अद्वियात से भी निजात मिलेगी और वो जो है पुरसकून उसे नींद आना शुरू होगी विदाउट मेडिसिन। तो हमारे मुआशरे में हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं और वो जो है सोने की कोशिश करते हैं और स्लीपिंग पिल्स खाने के बावजूद उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो ऐसे लोग जो उनको जो है इस तरह की सोने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें चाहिए वो जो है डॉक्टर्स के साथ साथ जो है किसी साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करें ताकि वो जो है एक्चुअल कॉज को आइडेंटिफाई करके उनकी जो है बीमारी को खत्म कर सके ताकि वो जो है एक पुरसकून जो है नींद वो सो सके। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।